गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है बच्चा आपका हिंदी, रिमझिम रिमझिम फोर। क्लास फोर की हिंदी फर्स्ट है आज, और इसमें बच्चों हमने अभी तक चैप्टर जो है फोर कंप्लीट कर लिए हैं। और चैप्टर फोर के अंदर जो है हमने पढ़ा था पापा जब बच्चे थे, ठीक है ना। और एक इसमें कविता आई थी उलझन, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी उलझन कविता। और आज इसी में चैप्टर नंबर फोर के अंदर है एक साथ तीन सुख, ठीक है, एक साथ तीन सुख, तीन चीज़ों के एक साथ सुख। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 है, सभी बच्चे इसको ओपन करेंगे। पेज नंबर 33, 33 नंबर पेज है, और चैप्टर नंबर फोर के अंदर जो उलझन कविता है उसी के साथ ये है एक साथ तीन सुख। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। आहा सिक्का, यहाँ पे आप सिक्का देख रहे हैं। तीन यात्री हैं और वो यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, निकल रहे थे रास्ते में, और तो उनको वहाँ पे सिक्का नजर आया। हम सब ने इसे एक साथ देखा, इससे यह हम सबका है। तीनों के तीनों क्या कहते हैं कि हमने इसको एक साथ देखा है। हम चल रहे थे और तीनों की नज़र एक साथ पड़ी, तो सिक्का तीनों का हुआ। तो हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। तीनों क्या कह रहे हैं, ये तीनों यात्री, कि ठीक है हमें एक सिक्का मिला है और तीनों ने एक साथ देखा है, तो तीनों का ही सिक्का हुआ, तो हम आपस में क्या कर लेते हैं, इसको एक चीज़ खरीद लेते हैं और उसको बांट लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है पर क्या खरीदें। अब सोच रहे हैं कि क्या खरीदें, हाँ मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने को कर रहा है। पहले वाले ने क्या कहा कि मेरा तो मन क्या कर रहा है, मीठी चीज़ खाने का। ठीक है पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है ना, लेकिन कई मीठी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी ताकि सब तीनों के लिए हो जाए। अब देखो, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब तीसरा वाला क्या कहता है, ये कि मुझे तो क्या चाहिए, प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे तो नहीं खाना मीठा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक मिठाई ही बहुत है, ठीक है, क्या कह रहा है वो, एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, मुझे तो कई चाहिए, है ना, एक मिठाई से क्या हुआ। अब तीसरा क्या कह रहा है, मुझे तो प्यास बुझानी है, प्यास लगी है मुझे, ठीक है। अब देख रहे हैं आप पीछे से, एक बुज़ुर्ग एक आदमी है, ठीक है, तो वो उनको सुन रहा था, इन तीनों की बातें सुन रहा था। तीनों आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। एक कह रहा है कि मुझे मीठा खाना है, दूसरा कह रहा है मुझे बहुत सारा मीठा खाना है, तो तीसरा कह रहा है मुझे प्यास लगी, अपनी प्यास मुझे बुझानी है। तो तीनों में क्या है, आपस में उनमें बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, बुज़ुर्ग जो आदमी है उसके दिमाग में कुछ बात आई, तो वो तीनों के बीच में गया, क्या बात है आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं। तो उनसे पूछता है कि आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं तीनों के तीनों। तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई, तीनों ने जो बूढ़ा आदमी था उसको अपनी जो प्रॉब्लम थी समस्या बताई, कि देखो हमें चलते चलते एक सिक्का मिला था और मेरा तो मीठा खाने का मन कर रहा है, उसका बहुत सारा मीठा खाने को, और मुझे प्यास लगी है, तो हम मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम इससे क्या करें। तो बुज़ुर्ग जो आदमी है वो कह रहा है, अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। बुज़ुर्ग आदमी क्या कहता है, बड़ा ही आसान उपाय है, इसमें झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप फल वाला देख रहे हैं, फ्रूट्स वाला है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए, ठीक है ना। तीनों से क्या कहता है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए, ये तो बहुत मीठे हैं, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत मीठे हैं। और दूसरा वाला क्या, ये तो बहुत सारे हैं और ये मेरी प्यास बुझाएंगे।
तो जो पहला वाला था, जो दोस्त मित्र तीनों में से, तो उसको क्या खाना था, मीठा बहुत खाना था, तो अंगूर क्या है मीठे थे। और जो दूसरा वाला था उसको बहुत सारा मीठा खाना था, तो उसको बहुत सारे अंगूर भी मिल गए। और जो तीसरा था उसको क्या करनी थी, प्यास बुझानी थी, तो उसकी प्यास भी बुझ गई। तो उस बुज़ुर्ग ने हमारी समस्या जो है बड़ी आसानी से हल कर दी। जो बुज़ुर्ग था उसने समस्या को बड़ी ही आसान तरीके से हल कर दिया। तो ये लुईस फर्नांडिस ने ये कहानी यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में क्या करना चाहिए, विचार करके ही कोई फैसला लेना चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, ओके। और अगर हमसे उस प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हम बड़ों की हेल्प हमें लेनी चाहिए, बड़ों की हमें मदद लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। तो आपने देखा कि बड़ों की उसने हेल्प ली, ठीक है ना, बड़ों ने उनकी मदद की, तो उनका जो है समस्या का हल कितनी आसानी से हो गया। तो आज इस कहानी को आप पढ़ेंगे, और इसमें से, इस कहानी में से आपको तीन क्वेश्चन कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तीन क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क में है, तीन क्वेश्चन आपको इस कहानी से आपको बनाने हैं।